अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींचने में सफलता पाई है जो सुदूर आकाशगंगा मेसियर 87 में स्थित है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और इसका द्रव्यमान सूर्य से 650 गुना अधिक है। यह तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से खींची गई है जो कि एक दूसरे से जुड़े 8 टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है। तस्वीर में काफी चमकदार रिंग ऑफ फायर दिखाई देती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्षेत्र में जाने वाली गैसों के अत्यंत गर्म होने के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। इस रोशनी की चमक विभिन्न आकाश गंगाओं को जोड़कर अरबों तारों से प्राप्त होने वाले प्रकाश से भी अधिक है। इस कारण से ही धरती से काफी दूर होने पर भी इसे देखना संभव हो पाया। हरियाणा के अशोक विश्वविद्यालय की समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर दिव्या कर्नाट ने समुद्री जीवों को बचाने के लिए इन सीजन फिश नाम से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के अंतर्गत मछुआरों, रसोइयों व उपभोक्ताओं को समुद्री मछलियों की ऐसी प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जो समुद्र में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के साथ ही भविष्य में जिनका विलुप्त होने का खतरा ना हो, जिससे कि विलुप्त हो रहे समुद्री जीवों का शिकार ना हो। साथ ही इन सीजन फिश की वेबसाइट पर समुद्री मछलियों के अलग अलग प्रजातियों के प्रजनन काल के बारे में भी जानकारी दी गई है ताकि प्रजनन काल के दौरान मछुआरे इनका शिकार ना करें, जिससे कि मछलियों की खपत और संख्या के बीच संतुलन बना रहे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मरीन बायोलॉजिस्ट दिव्या कर्नाट को नीदरलैंड की फ्यूचर ऑफ नेचर फाउंडेशन के द्वारा फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिव्या कर्नाट यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत में अहमदाबाद स्थित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने सूर्य के जन्म के आरंभिक वर्षों में सूर्य व्यवहार का अध्ययन किया है। 1962 में कजाकिस्तान में पाए गए एफरी मूवे को उल्कापिंडों के अध्ययन से सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस अध्ययन के मुताबिक सौरमंडल में सबसे पहले ठोस पदार्थों के रूप में कैल्शियम तथा एल्युमिनियम विकसित हुए। इस अध्ययन से आरंभिक काल में सौरमंडल की गतिविधियों तथा घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही सूर्य, पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के जन्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत जल्द सबसे ज्यादा ऑपरेशन से बच्चा जन्मने वाला देश बन जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक भारत में ऑपरेशन के जरिए बच्चा जन्मने की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के बीच ऑपरेशन से बच्चा जन्मने की दर में 17.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सेजेरियन डिलीवरी की आनुवांशिक दर 10-15% के बीच होनी चाहिए। सेजेरियन डिलीवरी का विकल्प मां और बच्चे की जान को खतरा होने की स्थिति में ही चुना जाना चाहिए। ऑपरेशन से बच्चा जन्मने की दर में वृद्धि के अधिकतर मामले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए। खोजकर्ताओं ने एर्नाकुलम के इल्लीथुडू जंगलों में एक कूदने वाली मकड़ियों की समूह की तलाश की है। ये मकड़े हेवरू सिस्टम प्रजाति के हैं। कोची स्थित सीक्रेट हार्ट कॉलेज के शोधकर्ताओं ने यहाँ विभिन्न रंग की मकड़ियों की खोज की है। इस टीम ने नर तथा मादा मकड़ियों की बाहरी विशेषताओं का अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला है कि ये मकड़ियाँ यूरेशिया तथा अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। वैज्ञानिक आनुवांशिक रूप से संपादित पहला एनोलिस गिरगिट पैदा करने में सफल रहे हैं। ये खोज यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने की है। ये रेंगने वाला पहला जीव है जिसे वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूप से संपादित कर उत्पन्न किया है। वैज्ञानिकों को गिरगिट की प्रजनन प्रक्रिया समझने में 2 वर्षों से भी अधिक समय लगा। इस अध्ययन से एक गिरगिट की उत्पत्ति की आनुवांशिकता को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही हो सकता है और भी अनेकों जीवों की आनुवांशिक संपादन में यह एक अहम खोज साबित हो। भारत में लद्दाख के हिमले में स्थित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में ग्रोथ नामक भारत का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। आकाश के निरीक्षण तथा अध्ययन के लिए हाई ऑल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप,
हिमालयन चंद्रन टेलीस्कोप तथा सेरिकोफ टेलीस्कोप जैसे कई टेलीस्कोप यहाँ पहले से ही स्थित थे। यह जगह खगोलीय वेधशाला स्थापित करने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। यह वेधशाला लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से रात्रिकालीन आकाश में पदार्थों तथा खगोलीय घटनाओं का स्पष्ट दृश्य मिलता है। ग्रोथ का पूरा नाम ग्लोबल रिले ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजियंस हैपिंस है। इस टेलीस्कोप के निर्माण में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल ने योगदान दिया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली वस्तुओं के अध्ययन के लिए किया गया है। सुदूर अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली वस्तुएं सुपरनोवा की तरह कुछ समय के लिए चमकती हैं और फिर अंतरिक्ष में खो जाती हैं। इस घटना की अवधि कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या फिर सालों तक की हो सकती है। इन्हें टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में इस टेलीस्कोप ने निहारिकाओं के एक झुंड M31N नामक तारों का पहली बार पर्यवेक्षण किया। इन्हें कई बार चमकते हुए पाया गया। ग्रोथ एक 70 सेंटीमीटर रोबोटिक टेलीस्कोप है। रोबोटिक टेलीस्कोप के तीन मुख्य कार्य होते हैं। पहला, तारों के विलय से होने वाले विस्फोट पर नजर रखना। तारे गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचकर निकट आते हैं और उनका विलय हो जाता है। दूसरा, सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन तथा तीसरा, आसपास के उल्का पिंडों का अध्ययन। यह टेलीस्कोप सिर्फ भ्रमण करने वाली वस्तुओं की ही तलाश नहीं करता, बल्कि खोज के 24 घंटे के भीतर दोबारा तुलना करने वाले सॉफ्टवेयर से भी लैस है। इस टेलीस्कोप का निगरानी क्षेत्र आम टेलीस्कोपों की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक है। इस विशेषता के कारण यह 1 सेकंड से भी कम समय में आकाश के एक भाग से दूसरे भाग में अपना फोकस बदल सकता है। इसके अलावा इस टेलीस्कोप में लगे संवेदनशील कैमरों से दिन के समय में भी सूक्ष्म खगोलीय घटनाओं की तस्वीर खींची जा सकती है। इस टेलीस्कोप की देखरेख भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलोर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई करते हैं। इस टेलीस्कोप से आकाश में अक्सर घटित होने वाली घटनाओं की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।